नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में विज्ञानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर इस अभियान की समीक्षा की। इसी के तहत 20 जुलाई को पेड़ लगाने की रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है और इस अभियान के तहत प्रदेश को इस वर्ष 36.46 करोड़ से अधिक का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय से इस लक्ष्य को हर हाल में आगामी 20 जुलाई को पूरा करें। उन्होंने मंत्रियों व विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दूध की शुद्धता की जांच के लिए घरेलू तरीके की खोज की है। वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से दूध में मिश्रित पानी के साथ ही सिंथेटिक दूध के घटकों का पता लगाया जा सकता है। बीएचयू के भौतिक विज्ञान विभाग के शोध छात्र तपन परसाई ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना तिवारी की निगरानी में सिक्किम विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजय त्रिपाठी के सहयोग से वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से दूध में मिश्रित विभिन्न प्रकार के पानी और सिंथेटिक दूध के घटकों का पता लगाने का नया और घरेलू तरीका खोजा है। वाष्पीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर किसी सतह पर एक बूंद को वाष्पित होने के लिए छोड़ दिया जाए तो उस बूंद के निलंबित कण किनारों की ओर बढ़ते हैं और सतह पर एक रिंग जैसी आकृति छोड़ देते हैं। विभिन्न निलंबित कण अपनी अपनी वाष्पित रिंग आकृतियां बनाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरह ही हाइब्रिड ईवी पर भी करों में छूट दे दी है। इसमें जहां वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी वहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। खरीदारों को 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की बचत होगी। हाइब्रिड ईवी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद पेट्रोल से चलते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण में चारबाग से बसंत कुंज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। इस रूट में अमीनाबाद केजीएमयू चौक समेत 12 स्टेशन होंगे। इसकी लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी। मंगलवार को दिल्ली में हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यूपीएमआरसी ने इस रूट पर मेट्रो दौड़ाने के लिए 5 साल का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को मार्च में मंजूर कर एनपीजी के पास भेजा था। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी की न्यूनतम दरें 1 अप्रैल 2024 से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। इस संबंध में 9 जुलाई को श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 6,162 रुपये प्रतिमाह या 237 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई हैं। किशोरों और बालकों को संदेह मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम नहीं होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री केडी सिंह बाबू के बाराबंकी में पुस्तैनी आवास को संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजा गया था। शासन से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। संयुक्त सचिव ने बुधवार को जिलाधिकारी को पत्र भेज आवास का अधिग्रहण कराने की बात कही है। बाबू केडी सिंह की पुस्तैनी हवेली से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। उक्त आवास का शीघ्र ही अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करते ही संस्कृति विभाग के नाम भूमि दर्ज कराई जाएगी। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। राज्य सरकार किसानों की गुणवत्ता से भरपूर फसलों का दाम दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बीते वर्ष की तरह इस बार भी आम की विभिन्न प्रजातियों को जापान और दुबई समेत कई देशों को निर्यात किया जाएगा। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के हाथों प्रदेश में पैदा हुए आम को विदेशों को निर्यात किया जाएगा। अभी तक आम का निर्यात पैसेंजर विमान से होता है। सरकार का प्रयास है कि अब इसे कार्गो से भेजा जाए। बीते वर्ष मॉस्को बहरीन और दुबई के लिए आम की सप्लाई की गई थी और इस बार दुबई और जापान सहित कई देशों को निर्यात किया जाएगा। लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शाहजहांपुर शहर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। शहर के 20 से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी है। वहीं एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले भी बाढ़ से बेहाल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। व्यावसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने जारी कर दिया है। पिछली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इंटरमीडिएट के व्यावसायिक शिक्षकों का प्रति व्याख्यान 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम 30 व्याख्यान देने पर पहले 15,000 रुपये मिलते थे और अब 20,000 रुपये महीना मिलेंगे। इसी तरह हाईस्कूल के व्यावसायिक शिक्षकों का प्रति व्याख्यान मानदेय 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही 30 व्याख्यान देने पर प्रतिमाह मानदेय 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। चलते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। राजधानी समेत 40 से अधिक जिलों में गुरुवार से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
वहीं पूर्वांचल के एक दर्जन जिलों में अत्यधिक भारी बरसात का अलर्ट है। पिछले 2-3 दिनों से लखनऊ समेत आसपास के जिलों में मानसून थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन गुरुवार से मौसम फिर बदलेगा और राजधानी के साथ लगभग 45 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों व जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।